भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोदी सुफातार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के CCTV कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। LED लाइट्स सिस्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे चौक बाजार नांदेड़। अर्दापुर शहर में एक मकान के अंदर दरख्त पर गिरी बिजली। अर्दापुर शहर में कल रात हुए अचानक तेज हवा के साथ साथ एक बिजली गिरने से अचानक लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। शहर के पुरानी बस्ती छोटी दरगाह के करीब जुम्मे खां के मकान में एक नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया। अल्लाह के करम से इस हादसे में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अर्दापुर से शेख जुबेर की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि भाई हमारे घर पे जो मुसीबत आ रही थी अल्लाह ताला ने उसे रोक दिया। हमारे घर पे नारियल के झाड़ पे बिजली गिरी। मैं दुकान पे था, जैसे ही घर को फोन आया कि झाड़ पे बिजली गिरी और झाड़ सिलग रहा, तो मैं फौरन भाग के आया तो देखा कि घर के लेडीज बच्चे डरे हुए हैं और बाजू घर में जा रहे। मैं अंदर जाके देखा तो ऊपर से नारियल और अंगार के गोले से नीचे गिरे। नीचे शादी का सामान रखे हुआ था, लकड़ियां थे, उसे अंगार पकड़ रही थी, तो मैंने झट पानी लेके अंगार पे डाला और अंगार बुझाना शुरू किया। हवा तेजी थी लेकिन ऊपर से गोले जो और अंगार के गिर रहे थे, तो गली के लोगों ने पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिए कि भाई झाड़ नीचे गिरता है, मकान पे झाड़ गिरता बोले, तो मेरे को बाहर लेके आ गए। और हम सब बेबस होके देख रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे कि ना पानी ऊपर डाल सकते थे ना ऊपर चढ़ सकते थे। हमारे पास कोई चारा नहीं था उसको बचाने का, ना किसी को बचाने का। मगर एक अचानक एक अल्लाह ताला की एक हमारे पे एक रहमत और एक मदद बोल के बारिश आई। और बारिश जो ऐसी बारिश आई जो हवा ने उसको चारों तरफ से झाड़ को बारिश ने ये करी, तो इससे अल्लाह का एहसान हुआ कि वो ऊपर ही अंगार बुझ गई और एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ा नुकसान होने से अल्लाह ताला ने हमारे को बचा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दिया।